दोस्तों नमस्कार, मैं संजय यादव। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एस के फॉर यू टेक एंड मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं। दोस्तों इसमें निम्न पुर्जे होते हैं। नंबर एक, प्राइम मूवर, कंप्रेसर, आयल सेपरेटर, कंडेंसर, रिसीवर, फिल्टर या ड्रायर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, इवेपरेटर कूलिंग कॉइल, अक्यूमुलेटर और मफलर। दोस्तों आगे बात करते हैं कंडेंसिंग यूनिट से आप क्या समझते हैं। प्रायः प्राइम मूवर, कंप्रेसर, कंडेंसर और रिसीवर का वह समुदाय जो एक आधार पर आधारित होता है उसे कंडेंसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंडेंसिंग यूनिट गैस को कंडेंस करने अर्थात तरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को किस आधार पर लो साइड और हाई प्रेशर साइड में बांटा जाता है? दोस्तों मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को प्रेशर के अंतर के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। दोस्तों हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस के प्रेशर में अंतर होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों क्योंकि गैस को कंडेंसर में कंडेंस करने या तरल बनाने के लिए हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, जबकि लिक्विड या तरल का इवेपरेटर में लो प्रेशर अर्थात कम प्रेशर पर वाष्पीकरण होता है। इसलिए सिस्टम में गैस के प्रेशर में अंतर का होना आवश्यक है। दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है? रेफ्रिजरेशन साइकिल मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस और इवेपरेटर से में से रेफ्रिजरेंट के एक चक्र के रूप में बहाव की संपूर्ण क्रिया को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के को एफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसे कहते हैं या आप इससे क्या समझते हैं? दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम द्वारा निकाली गई ऊष्मा तथा उस सिस्टम को चलाने के लिए लगाए गए काम के बराबर ऊष्मा के अनुपात को एफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। को एफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसका एक सूत्र है, को एफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर रेफ्रिजरेंट सिस्टम द्वारा निकाली गई ऊष्मा बटे लगाए गए काम के बराबर ऊष्मा। दोस्तों अब बात करते हैं हम एग्जॉस्ट प्रेस सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या लाभ हैं। दोस्तों इसके निम्न लाभ हैं। नंबर एक, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम अधिक कार्य क्षमता वाला सिस्टम है। नंबर दो, एक बंद स्थान में जितना तापक्रम की आवश्यकता हो इसकी सहायता से उतना तापक्रम प्राप्त किया जा सकता है। नंबर तीन, यह घरेलू और व्यापारिक रेफ्रिजरेशन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अभी हमने बात किया एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या लाभ हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर एग्जॉस्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या लाभ हैं। दोस्तों इसके अनेक लाभ हैं। नंबर एक, इसमें घूमने या चलने वाला कोई भी पुर्जा नहीं होता है, इसलिए इसमें घिसने, टूटने या जाम होने की कोई संभावना नहीं होती है। दूसरा, इसमें तेल देने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह काम करते समय आवाज़ नहीं करता है। चौथा है, यह अधिक देखभाल या मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। पाँचवा, यह बिजली की अनुपस्थिति में मिट्टी के तेल या गैस बर्नर से भी काम कर सकता है। नंबर छः, यह एक सस्ता सिस्टम है। दोस्तों अभी हमने बात किया मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर एग्जॉस्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लाभ। अब हम इससे हानि के बारे में भी जान लेते हैं कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर एग्जॉस्ट सिस्टम की क्या क्या हानियां हैं। दोस्तों अगर लाभ है तो हानि भी होगी, तो इसमें हानि जो होती है वो ये है, यह अधिक कार्य क्षमता वाला सिस्टम नहीं है। आजकल इसे व्यापारिक रेफ्रिजरेशन कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है।
और यह अधिक जगह घेरता है। चौथा है, इसे चलाने के लिए जो मिट्टी का तेल या जलाने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है वह कमरे में काफ़ी बदबू पैदा करता है, तो इसकी यह हानि है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जॉस्ट पर सिस्टम पर आधारित रेफ्रिजरेटरों का इस्तेमाल क्यों सीमित है। दोस्तों, इसके निम्न कारण है, जिसमें नंबर एक है, यह मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर आधारित रेफ्रिजरेटर से कम कार्य क्षमता रखता है। यह आइस क्यूब जमाने व खाने पीने की चीज़ों को ठंडा करने के लिए अधिक समय लेता है। नंबर तीन, इसे चलाने के लिए जो मिट्टी का तेल या जलाने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है वह काफ़ी बदबू पैदा करता है, जिसके लिए अब इसकी कार्य क्षमता को सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जॉस्ट मशीन में तांबे की पाइप की बजाय स्टील की पाइप का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, इसके निम्न कारण है, जैसे कि एग्जॉस्ट मशीन में एक्वा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है और अमोनिया पानी या नमी के उपस्थिति में अमोनिया हाइड्रोक्साइड पैदा करता है, जो कि तांबे की पाइप को खा जाता है, यानी उसमें लीकेज के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें स्टील के पाइप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अंत में आप लोगों से अपील है कि अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके काम का है या कुछ आपको जानकारी मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कुछ भी हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।